हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में चर्चा करेंगे साधारण ब्याज पर, यानी सिंपल इंटरेस्ट पर। तो दोस्तों, साधारण ब्याज से संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न होते हैं, लगभग सारे प्रश्नों को हम एक ही ट्रिक से हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपके सामने एक ट्रिक है, इस ट्रिक को पहले समझ लीजिए, फिर प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, ट्रिक है पी इंटू टी इंटू आर बटे एस आई इंटू 100। तो दोस्तों देखिए, पी का मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन, इंटू टी यानी टाइम यानी समय, इंटू आर रेट यानी दर। ठीक है दोस्तों, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे एस आई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज इंटू 100। ठीक है दोस्तों, ये बात है। अब देखिए, पहला प्रश्न हम इस ट्रिक से कैसे हल करते हैं। देखिए प्रश्न, 600 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा दोस्तों? तो साधारण ब्याज का मतलब एस आई हमसे पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो सारी चीज़ें ट्रिक के अनुसार आप जमा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मूलधन, मूलधन कितना है? पी का मतलब 600। ठीक है दोस्तों, इंटू टी टाइम, टाइम कितना है? 4 वर्ष। इंटू दर, दर कितनी है? 5%। बटे एस आई हमसे पूछ रहा है दोस्तों, एस आई पूछ रहा है, इंटू 100। तो हल कीजिए दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है दोस्तों, 5 चौका 20, 20 की 120। तो दोस्तों एस आई का मान निकल कर आ चुका है, एस आई बराबर 120 रुपये, यानी कि साधारण ब्याज जो बना है 600 रुपये का 5% की दर से 4 वर्ष में, वो 120 रुपये है। ठीक है दोस्तों, यही इसका आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न हल करते हैं इसी ट्रिक से। देखिए, तो दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 400 रुपये का 5 वर्ष का साधारण ब्याज 140 रुपये होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है, कितने प्रतिशत ब्याज की दर से, यानी दर हमसे पूछ रहा है। पिछले प्रश्न में हमसे साधारण ब्याज पूछा था, ठीक है, अब इस प्रश्न में हमसे दर पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो सारी चीज़ें ट्रिक के अनुसार जमा दीजिए। पी का मतलब मूलधन, मूलधन कितना है? 400, 400 इंटू टाइम कितना है? 5 वर्ष। इंटू दर कितनी है? दरी तो पूछ रहा है हमसे, दर कितनी है, दरी तो पूछ रहा है। बटे एस आई कितना है? 140 इंटू 100। ठीक है दोस्तों, काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 5 चौका 20 और 20 सत्ते 140, तो आर बराबर यानी दर 7%। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर है कि 7% की दर से 400 रुपये का 5 वर्ष का साधारण ब्याज 140 रुपये होगा, यही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, इसी ट्रिक से और प्रश्न हल करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये रहा तीसरा प्रश्न। प्रश्न है, किस धन का 8% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज 170 रुपये हो जाएगा? किस धन का? इस प्रश्न में हमसे मूलधन पूछ रहा है दोस्तों, पी का मान हमसे पूछ रहा है। तो दोस्तों सारी चीज़ जमा दीजिए ट्रिक के अनुसार। पी का मान पूछ रहा है, तो पी की जगह पर पी इंटू समय, टाइम, टाइम कितना है? 2 वर्ष 6 माह, 2 वर्ष 6 माह, 2 वर्ष 6 माह का मतलब क्या होता है? 2.5 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो 2.5 वर्ष यानी 2.5 भी लिख सकते हो या 5/2 भी लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, इंटू दर, दर कितनी है? 8%। बटे एस आई कितना है? 170 इंटू 100। ठीक है दोस्तों, आप काटिए सारी चीज़, पहले इस पॉइंट को हटाइए, 0 लगा दीजिए यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पर 0 लग गई, तो 25 चौका 100 यानी 40। ठीक है दोस्तों, 8 पंजे 40 और 17 पंजे 85 यानी पी बराबर 850। ठीक है, मूलधन 850 रुपये होगा। किस धन का यानी 850 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज 170 रुपये हो दोस्तों? तो 850 यही मूलधन है दोस्तों, यही हमारा क्या है? आंसर। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न करते हैं इसी। तो दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न, यानी चौथा प्रश्न। देखिए प्रश्न है, कितने समय में 1600 रुपये का 12.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 500 रुपये हो जाएगा?
तो दोस्तों इस प्रश्न में हमसे समय पूछ रहा है, यानी टाइम पूछ रहा है, यानी टी का मान हमसे पूछ रहा है। तो सारी चीज़ें जमा दीजिए ट्रिक के अनुसार। पी यानी मूलधन 1600 रुपये इंटू टाइम, टाइम हमसे पूछ रहा है, इंटू दर, दर 12.5, ठीक है दोस्तों, बटे ऐसा ही कितना है 500, यानी साधारण ब्याज 500 इंटू 100, ठीक है दोस्तों। अब हम पॉइंट को हटाएंगे तो एक जीरो नीचे बढ़ा देंगे। अब काटिए दोस्तों इनको संख्याओं को, कि 125 से काटिए आप संख्याओं को, कि 125 अट्ठे 1000, ठीक है दोस्तों, ये 8 बार कट गया। अब इससे काटिए 8 से, 8 दूनी 16, यानी 200 बार ये कट गया। अब 200 का भाग दीजिए 500 में, 2 जीरो से 2 जीरो गई, और 2 का भाग दीजिए 5 में, यानी टी का मान आ जाएगा 2/1/2, यानी 2.5 वर्ष। समय पूछ रहा है हमसे तो मान क्या आएगा, सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, अभी रुकिए दोस्तों एक मिनट, इधर लीजिए, टी का मान आ जाएगा दोस्तों 2.5 वर्ष, कितना आएगा 2.5 वर्ष, यही दोस्तों हमारा आंसर है। यानी 2.5 वर्ष में 1600 रुपये का 12.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 500 रुपये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगला प्रश्न करते हैं दोस्तों इसी ट्रिक से। तो दोस्तों ये रहा 5वां प्रश्न, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने ट्रिक को नहीं लिखा है, अब हमको खुद को ही हल करना है, ठीक है, ट्रिक याद करनी है धीरे धीरे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए प्रश्न है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, दर पूछ रहा है, यानी आर का मान हमसे पूछ रहा है, दर से 600 रुपये का 5 वर्ष में मिश्र धन 660 रुपये हो जाएगा। तो दोस्तों पहले तो हमें मिश्र धन आना चाहिए, मिश्र धन का मतलब क्या होता है, मिश्र धन का मतलब होता है दोस्तों मूलधन प्लस ब्याज, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है दोस्तों, ये मिश्र धन होता है, मूलधन प्लस ब्याज मिश्र धन होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए प्रश्न में हमसे क्या पूछा जा रहा है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 600 रुपये का, तो मूलधन कितना है 600 रुपये, तो पी का मान आ गया 600 रुपये का, गुणा टी, टी का मान कितना है 5 वर्ष, गुणा क्या पूछ रहा है हमसे, दरी तो पूछ रहा है आर, बटे एसआई, तो एसआई कितना आएगा दोस्तों, एसआई निकालिए आप, 600 रुपये मूलधन है, मिश्र धन कितना है 660, तो 660 यानी मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन, तो क्या निकल कर आ जाएगा ब्याज, तो मिश्र धन कितना है 660 माइनस 600, तो ब्याज निकल कर आ गया कितना 60 रुपये, तो ऐसा ही है 60 × 100, ठीक है दोस्तों, काट दीजिए 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, ठीक है, 6 × 2 = 60, 5 × 2 = 10, तो आर बराबर 2%, यानी 2% की दर से, 2% की दर से 600 रुपये का 5 वर्ष में मिश्र धन 660 रुपये हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं इसी ट्रिक से। तो देखिए अगला प्रश्न है, तो दोस्तों ये रहा अंतिम प्रश्न आज की क्लास का, ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न बड़ा ही छोटा है लेकिन मज़ेदार प्रश्न है दोस्तों, ठीक है ना, तो समझिए प्रश्न को, प्रश्न क्या कह रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि कोई राशि किस दर पर 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है, कोई राशि किस दर पर 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है। तो दोस्तों मैंने आपको ट्रिक बताई थी, पी इंटू टी इंटू आर बटे एस आई इंटू 100, ठीक है दोस्तों। कोई राशि, मान लिया हमने राशि पी मानो, या आप तो एस, आपके पी से समझ में नहीं आएगी दोस्तों, आप राशि को मान लीजिए 100, कोई राशि माना, राशि हमने मूलधन माना हमने 100 रुपये, ये मूलधन 100 रुपये की राशि किस दर से 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है, यानी 200 हो जाती है, कितनी हो जाती है 200, तो मूलधन की जगह पर आ जाएगा 100, पी का मान आ जाएगा 100 इंटू टी 4 वर्ष इंटू आर हमसे पूछ ही रहा है। अब एस आई का मान क्या आएगा दोस्तों, एस आई का मान भी आएगा 100, क्यों आएगा 100, क्योंकि देखिए प्रश्न में हमसे कहा गया है कि कोई राशि किस दर से, सॉरी, कोई राशि किस दर पर 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, कोई राशि चार वर्ष में
दुगनी हो जाती है। अब दुगनी हो जाती है इसका मतलब क्या है, 100 की दुगनी होगी, 100 मूलधन था तो 100 ब्याज मिलेगा, तभी तो दुगनी होगी तो 100 ब्याज आएगा इंटू 100। ठीक है दोस्तों, तो 100 से 100 कट गया तो 4 का भाग दीजिए 25 बार जाएगा, तो आर बराबर 25%। ठीक है दोस्तों, यही हमारा क्या है आंसर कि कोई राशि किस दर पर, यानी 25% की दर पर कोई भी राशि हो 4 वर्ष में दुगनी हो जाएगी। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आगे और भी प्रश्न आएंगे, अगला भाग में 1-2 दिन में अपलोड करूंगा और इसी ट्रिक से हल करेंगे उन प्रश्नों को भी, आपको समझना है बस।